आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। शहर की सबसे पुरानी रामलीला के प्रधान से की खास बात, इस दौरान युवाओं को क्या संदेश दिया, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। संवाददाता मनीष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अर्थ प्रकाश टीवी में। मनीष कुमार इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ की सबसे पुरानी रामलीला के अंदर, जो कि मनी माजरा के दी आजाद ड्रामेटिक क्लब जिसका नाम है मनी माजरा किले के अंदर ये मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है। सबसे पहले प्रधान जी अपनी रामलीला के बारे कुछ दसो, कितनी पुरानी रामलीला है? हमारी क्लब 1907 में इसको संयोजन किया गया था। इसके संयोजक हकीम बसंत सिंह, पंडित केदारनाथ, पंडित जगन्नाथ, पंडित रालाराम आदि हमारे पूर्वज थे। 1907 से लेकर 1952 तक इस क्लब का नाम दी गणेश ड्रामेटिक क्लब था। उसके बाद आज़ादी के बाद इस क्लब का नाम दी आजाद ड्रामेटिक क्लब करके रखा गया और ये हमारी रजिस्टर्ड क्लब है। मर्यादाओं में रहकर हम लीलाएं करते हैं, जो भी करते हैं, किसी भी तरह का अश्लील सॉन्ग गाने यहाँ हम नहीं चलने देते। कोई भी हमारा सदस्य या कलाकार। सर तुहाडी गल कीती जावे, तुसीं किन्ने साल तो इस रामलीला दे विच रोल कर रहे थे, तुसीं इस बार केड़ा केड़ा रोल तुसीं निभा चुके और केड़ा केड़ा निभाओगे? मैं इस क्लब का अध्यक्ष 1994 से हूँ। पिछले 20-25 सालों से मैं रावण का रोल अदा कर रहा हूँ और खेवट का रोल अदा कर रहा हूँ। पहले मैंने बाली का रोल भी किया है, भविष्ण का रोल भी किया है, मेघनाथ का रोल भी किया है और एज अ स्टेपनी मैं क्लब में काम करता हूँ। अगर कोई हमारा सदस्य कलाकार किसी को किसी तरह की दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं हर रोल को निभाने के लिए हर समय तैयार हूँ। इस टाइम साडे क्लब दे विच किन्ने मेंबर्स ने? हमारे पास 70 मेंबर हैं, 20-25 बाल कलाकार हैं, कुल मिला के हम 100 से ऊपर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है कि अज की देर दे आने वाले कुछ समय बाद रामलीला खत्म हो जाएगी या सोशल मीडिया जिस तरह सुनने को मिल जाए तो उसी भी देखते होने रोज? भगवान का राम, भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम जब तक सृष्टि है तब तक चलेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे हम क्षितिज को पकड़ नहीं सकते वैसे ही इसका अंत नहीं हो सकता। आखिर दे की कहना चाहूंगे साडे दर्शकों? मैं दर्शकों को कहूंगा कि सभी रामलीला को जहाँ भी हो रही है, आप अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी लीला होती है वहाँ जरूर जाओ, लीला को देखो, अपने बच्चों को दिखाओ। लीलाएं हमारे लिए नहीं, लीलाएं बच्चों के लिए खास तौर पर, जिससे उनको वहाँ जाके संस्कार मिले। आज सर केड़ा केड़ा सीन मतलब दिखाया गया अज के दिन, तो 3 दिन जेडे बारिश रही है उस दे विच तुसी किद्दां मतलब रामलीला कीती है, कित्थे करदे सीगे, मतलब कि क्या वो सीन कट हो गया कितने तुसी? हमने कोई भी सीन काटा नहीं, ना काटेंगे। हमने वेदवती संवाद से लीला शुरू करते हैं, जो 23 तारीख को हमने यहाँ बारिश बंद हुई थी 7 बजे। उसके बाद हमने 10:20 पर लीला स्टार्ट कर दी थी जो 11:20 तक चली। उसके जो 23 तारीख को हमने यहाँ बारिश बंद हुई थी 7 बजे, उसके बाद हमने 10:20 पर लीला स्टार्ट कर दी थी जो 11:20 तक चली। उसके बाद दोबारा बारिश शुरू हुई, लोग बैठे रहे, 20 मिनट बाद दोबारा बारिश बंद हो गई थी। फिर हमने लीला शुरू की जो कि रात को 12:30 तक चली। उस दिन का हमारा कार्यक्रम सारा पूर्ण हो गया था। अगले दिन का कार्यक्रम था जो राम जन्म, सीता जन्म, वो हमने गंगा देवी धर्मशाला में संपूर्ण किया। और इतवार से रविवार से जब मौसम ठीक हो गया था, उससे हम रेगुलर अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। कल हमने सीता स्वयंवर दिखाया था, आज माता सीता की शादी और रंग में भंग का कार्यक्रम हम दिखाएंगे। करना है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।